नमस्कार, मैं प्रज्ञा धराधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। चंद्रमा में भारत के तीसरे मिशन चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ऐसे मिशनों में विशेषज्ञता विकसित कर रहा है जो नमूने पृथ्वी पर लौटाने में सक्षम होंगे। हिंदुस्तान टाइम्स ने एक अधिकारी के हवाले से बताया है कि चंद्रयान 3 के बाद जो नतीजे निकले हैं, विशेष रूप से सफल हॉप एक्सपेरिमेंट, भविष्य के मून मिशन का आधार बनेगा। चंद्रमा पर प्रयोगों के आधार पर अंतरिक्ष एजेंसी ऐसे कार्यक्रम डिजाइन करेगी जहां नमूनों को पृथ्वी पर वापस लाया जा सके। इसके लिए अभी तक कोई निश्चित समय सीमा नहीं है, लेकिन हम अपने सिस्टम को इस तरह से विकसित करने पर काम कर रहे हैं कि यह वापसी की उड़ान भर सके। सेना में नियुक्ति के लिए साल 2022 में लागू की गई अग्निवीर योजना में सरकार बड़े बदलाव की योजना बना रही है। खबर है कि जल्द ही सेना में स्थायी होने वाले जवानों की संख्या में इजाफा हो सकता है। फिलहाल इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। मौजूदा प्रावधानों के तहत अग्निवीर योजना के तहत सेना का हिस्सा बनने वाले जवानों में से 25% को प्रशिक्षण के बाद स्थायी किया जाता है। रक्षा मंत्रालय अग्निवीरों के स्थायी किए जाने के प्रतिशत को बढ़ाकर 50% करने की गंभीरता से विचार कर रहा है। एशियन गेम्स 2023 में भारत ने अपना पहला गोल्ड मेडल जीत लिया है। ये गोल्ड मेडल भारत को शूटिंग में मिला है। पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल के टीम इवेंट में भारत के दिव्यांश सिंह पवार, रुद्राकांश पाटिल और ऐश्वर्य तोमर ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए भारत की झोली में स्वर्ण पदक डाला। शूटिंग के अलावा भारत ने दूसरे दिन एक ब्रॉन्ज मेडल भी अपने नाम किया। भारत ने 19वें एशियाई खेलों में अपने पहले दिन की शुरुआत सिल्वर मेडल जीत कर की थी। वो मेडल भारत को शूटिंग में महिलाओं की टीम इवेंट में मिला था। अब रेल यात्रियों की शिकायतें और जरूरतों को पूरा करने की जिम्मेदारी प्राइवेट कंपनियों के हाथों में होगी। बता दें कि रेल में सफर करते आपको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शिकायतों को आप रेलवे के हेल्पलाइन नंबर 139 पर कॉल कर भी बताते रहे हैं, लेकिन अब रेलवे ऐप, पोर्टल, एप्लीकेशन, ऑनलाइन शिकायतें और सोशल मीडिया पर मिलने वाली शिकायतों को सुनने और उस पर अमल कराने की जिम्मेदारी प्राइवेट कंपनियों के हाथों में देने जा रही है। इससे आम यात्री को एक कॉल करने पर सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन 8 अक्टूबर को न्यू जर्सी में किया जाएगा। स्वामी नारायण संप्रदाय का यह मंदिर अमेरिका के न्यू जर्सी के रॉबिन्सविले शहर में स्थित है। मंदिर का निर्माण बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था ने किया है। संस्था के मुताबिक यह मंदिर 162 एकड़ में बना हुआ है। मंदिर की कलाकृति को प्राचीन भारतीय संस्कृति को ध्यान में रखकर बनाया गया है। टाइम्स स्क्वायर न्यूयॉर्क से लगभग 60 मील दूर दक्षिण में स्थित मंदिर 134 फुट लंबा और 87 फुट चौड़ा है। इसमें 108 खंभे और 3 गर्भ भी हैं। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो की तरफ से भारत पर अनर्गल व निराधार आरोप लगाए जाने के बाद दुनिया के विभिन्न हिस्सों में ओटावा की विदेशी नीति में बदलाव की सलाह आने लगी है। जापान टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कनाडा को विदेश नीति में बदलाव करते हुए मध्य शक्ति वाले देशों का रवैया छोड़ देना चाहिए। उसे हिंद प्रशांत कूटनीति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया है कि ओटावा ने अनजाने में खुद को उस स्थिति में पहुंचा दिया है जहां सबसे रिश्ते खराब हुए हैं। देश में आमतौर पर दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाएं 17 सितंबर के आसपास उत्तर पश्चिमी भारत से वापस जाना शुरू कर देती है, लेकिन इस सीजन में अभी वापसी की कोई संभावना नहीं दिख रही और बारिश अक्टूबर तक बढ़ सकती है। लगातार ऐसा 13वां साल है जब मानसून की वापसी देरी से हो रही है। मौसम विज्ञान विभाग ने 21 सितंबर को संकेत दिया था कि मानसून की वापसी 21 से 27 सितंबर के अंत तक शुरू हो सकती है। वही अनुमान है कि 30 सितंबर तक देश में सामान्य से कम बारिश हो सकती है, हालांकि यह 90 से 95% के बीच रहेगी। एशियाई खेलों में शामिल 3 इंडियन वुशू खिलाड़ियों को चीन ने वीजा देने से इनकार कर दिया है, जिसे लेकर बवाल मचा हुआ है। ये तीनों खिलाड़ी अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। इस विवाद के बीच चीनी दूत झा लियो ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया है। कोलकाता में चीनी महावाणिज्य दूत लियो ने कहा कि वर्तमान में दोनों देशों के बीच संबंध स्थिर है और दोनों देशों के नेता बातचीत बनाए रखते हैं। लियो ने कहा कि विश्व शांति, वैश्विक विकास में योगदान और व्यापक दृष्टिकोण के साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के रक्षक के रूप में काम करने के लिए भारत सहित सभी पक्षों के साथ काम करने की इच्छुक है। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के 105वें एपिसोड में लोगों से अपील की है कि वह 1 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से 1 घंटे के लिए श्रम दान करें। यह गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर बापू को श्रद्धांजलि होगी। पीएम मोदी ने लोगों से समय निकालकर इस अभियान से जुड़ने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोग अपनी गली, आस पड़ोस, किसी पार्क, नदी, झील या किसी सार्वजनिक स्थान पर स्वच्छता अभियान में शामिल होने का अपील की। कच्चे तेल की कीमत $90 को पार कर गए 2.5 हफ्ता बीत चुका है। मौजूदा समय में ब्रेंट करंट ऑयल $95 के करीब है, तो अमेरिकी कच्चे तेल के दाम $90 प्रति बैरल के पार कारोबार कर रहा है। जानकारों की माने तो आने वाले दिनों में कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार जा सकती है। वास्तव में सऊदी अरब और रूस की ओर से कच्चे तेल के प्रोडक्शन में कटौती की गई है। यह कटौती दिसंबर तक जारी रहेगी। कुछ लोगों का अनुमान है कि जिस तरह से चीन की ओर से डिमांड बढ़ रही है और अमेरिकी रिजर्व में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, 2024 में भी कच्चे तेल से राहत मिलने वाली नहीं है।
भारतीय रेलवे ने वंदे भारत ट्रेनों से जुड़े कुछ नए अहम फैसले लिए हैं। रेल मंत्रालय ने प्रीमियम सेमी हाई स्पीड ट्रेनों से यात्रा करने वाले यात्रियों के सुझावों और शिकायतों के आधार पर यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए 3 अहम कदम उठाए हैं, जिसमें वंदे भारत ट्रेनों में 6 महीने के लिए पायलट आधार पर PAD वस्तुओं के बिक्री की अनुमति बंद कर दी जाएगी। राउंड ट्रिप के लिए रेल नीर बोतलबंद पानी की दोहरी आपूर्ति का स्टॉक न करे। बोतलों को अब तक ही एक ही यात्रा के लिए स्टॉक किया जाएगा और फिर से भरा जाएगा। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री सह आरा के भाजपा सांसद आरके सिंह ने चुनाव लड़ने से जुड़ी सारी अटकलों पर विराम लगाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि वह इस बार भी आरा से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। अगर केंद्र सरकार ने टिकट दिया तो वह आरा से ही लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि मेरे बारे में कोई और निर्णय कैसे ले सकता है, मैं अपने बारे में निर्णय मैं खुद लूंगा। कोई अगर यह हल्ला उड़ा दे कि मैं गवर्नर बनने जा रहा हूं, तो आपको बता दूं कि मैं कहीं गवर्नर बनने नहीं जा रहा, मैं आरा से ही चुनाव लड़ूंगा। पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने अपनी किताब वी आल्सो मेक पॉलिसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर बड़े खुलासे किए हैं। सुभाष ने अपने बुक में लिखा है कि 2018 में एक मीटिंग में पीएम मोदी ने अपना आपा खोते हुए तत्कालीन RBI गवर्नर उर्जित पटेल को पैसे के ढेर पर बैठने वाले सांप कह दिया था। कठिन आर्थिक स्थिति और सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच तनाव के बीच अर्थव्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करने के लिए 14 सितंबर 2018 को एक बैठक बुलाई गई थी। हार्पर कॉलिंस द्वारा प्रकाशित यह पुस्तक अक्टूबर में रिलीज होने वाली है। भारत पर खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप लगाने के बाद कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो बैकफुट पर है। भारत जवाब कार्रवाई करने रहा है। इस मामले में भारत ने कई एक्शन लिए हैं। कनाडा के लोगों के लिए वीजा सेवाएं रद्द करने के बाद भारत अब खालिस्तानियों पर सख्त हो गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत अब कनाडा, यूके और अमेरिका के खालिस्तानियों को OCI कार्ड रद्द होगा। तो विदेश में रहकर एंटी इंडिया कैंपेन चला रहे हैं, भारतीय संस्थानों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। दुनिया भर में एक बड़ी बीमारी के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि नई डिजीज एक्स से 5 करोड़ लोगों की मौत हो सकती है। यह नई बीमारी कोविड महामारी की तुलना में 20 गुना अधिक बड़ी बीमारी है। WHO के प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस अदनोम ग्रेबियस ने कहा कि यह डिजीज एक्स कभी भी आ सकती है और इससे महामारी की आशंका है, जिसमें लाखों लोगों की मौत होगी। यह बेहद घातक है और इससे बचने के लिए वैज्ञानिक वैक्सीन बनाने पर काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक मोहन भागवत ने शनिवार को लखनऊ में एक मीटिंग को संबोधित करते हुए कहा था कि संघ के कार्यकर्ता विभिन्न धर्मों के मानने वालों के साथ ही मुसलमानों से भी बातचीत करें और संपर्क बनाए। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती साहबुद्दीन रजवी बरेवली ने कहा कि संघ प्रमुख के इस बयान का मैं स्वागत करता हूं, इससे हिंदू और मुस्लिम के तनावपूर्ण माहौल को शांत करने में बेहतरी आएगी और देश में जगह जगह नेताओं द्वारा दिए जा रहे नफरती भाषणों पर लगाम लगेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को वर्चुअली 9 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई, जिससे 11 राज्यों राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, ओडिशा, झारखंड और गुजरात में कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि हम सभी जानते हैं कि ऐसे कई रेलवे स्टेशन हैं जिनका पिछले कई वर्षों से विकास नहीं हुआ है। इन स्टेशनों को विकसित करने का काम चल रहा है। अगले 25 वर्षों में विकसित होने वाले सभी स्टेशन अमृत भारत स्टेशन कहलाएंगे। कनाडा के रक्षा मंत्री बिल ब्लेयर ने भारत के साथ संबंधों को बहुत अहम बताते हुए कहा कि उनको देश इंडो पैसिफिक रणनीति जैसी साझेदारियों को आगे बढ़ाता रहेगा। भारत के साथ महत्वपूर्ण गठजोड़ तब भी बना रहेगा जब उनका देश एक सिख अलगावादी सरगना की हत्या की जांच कर रहा है। ब्लेयर ने कहा कि हम समझते हैं कि भारत के साथ हमारे संबंधों के संबंध में यह एक चुनौतीपूर्ण मुद्दा हो सकता है और ऐसा साबित भी हुआ है, लेकिन साथ ही हमारी जिम्मेदारी है कि हम कानून की रक्षा करें, अपने नागरिकों की रक्षा करें और साथ ही यह सुनिश्चित करें कि हम पूरी जाँच करें और सच्चाई तक पहुँचे। हर साल की तरह इस साल भी 25 सितंबर यानी आज दुनिया भर में विश्व फेफड़ा दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य फेफड़ों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाना है। फेफड़ों से जुड़ी बीमारी एक खतरनाक बीमारी है जिसकी चपेट में आने से मौत तक हो सकती है। फेफड़ों की स्थिति जैसे कैंसर, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, तपेदिक, अस्थमा और एलर्जिक राइनाइटिस भारत में काफी बढ़ चुका है। इसके लिए जागरूकता फैलाने के लिए विश्व फेफड़ा दिवस मनाया जाता है। धूम्रपान, प्रदूषण, औद्योगिक गंध और अस्थमा इन बीमारियों के बढ़ने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या को लेकर भारत कनाडा विवाद इन दिनों सुर्खियों में है। इसी बीच एक नया खुलासा हुआ है। अमेरिकी न्यूज पोर्टल इंटरसेप्ट ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI खालिस्तानियों के साथ संपर्क में थी। एजेंसी ने कई खालिस्तानियों को बताया कि उनकी जान को खतरा हो सकता है, हालांकि एजेंसियों ने खतरे का सोर्स नहीं बताया था। गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने दानिश अली को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दानिश अली पर कार्रवाई की मांग करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा है। भाजपा सांसद रमेश विधूरी और बसपा सांसद दानिश अली के बीच विवाद का मामला है। सांसद रवि किशन ने कहा कि अगर विधूरी के खिलाफ कार्रवाई की जाती है तो दानिश अली के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं यहां रमेश विधूरी के दिए बयान का समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई इसलिए होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने मेरे ऊपर भी अभद्र टिप्पणी की थी। उन्होंने मेरे परिवार पर टिप्पणी की। मैं जब जनसंख्या नियंत्रण विधेयक पर चर्चा कर रहा था। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने महिला आरक्षण विधेयक में OBC उपकोटा दिए जाने की वकालत की है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक शनिवार को एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश में चुनाव आ रहे हैं इसलिए इसे भी लागू किया जा सकता है। आप बिना आरक्षण ही पिछड़ी जातियों की महिलाओं को टिकट दे, आरक्षण की कोई जरूरत नहीं है, केवल आपकी इच्छा शक्ति की जरूरत है।
मणिपुर में जातीय हिंसा शुरू होने के 5 महीने होने वाले हैं। इस बीच एक अलगाववादी समूह पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के एक प्रशिक्षित कार्यकर्ता को गिरफ्तार करने के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी का कहना है कि मणिपुर के प्रतिबंधित संगठन राज्य में सुरक्षा बलों और विरोधी जातीय समूहों के सदस्यों पर हमला करने के लिए कार्यकर्ताओं की भर्ती कर रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक NIA ने शुक्रवार को PLA के कार्यकर्ता मोइरांगथेम आनंद सिंह को मणिपुर से जमात मिलने के कुछ घंटों बाद गिरफ्तार कर लिया था। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय शिक्षक संघ ने शैक्षणिक मानकों, नियमों के उल्लंघन, प्रवेश मुद्दों और कम विविधता सहित विश्वविद्यालय की बिगड़ती स्थिति पर चिंता जताई। संगठन ने JNU द स्टेट ऑफ द यूनिवर्सिटी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें विश्वविद्यालय को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ साथ संबंधित चिंताओं से लेकर शैक्षणिक अनियमितता भी शामिल है। एक बयान में JNU TA ने कहा कि 2016 से शुरू हुई विश्वविद्यालय की बर्बादी की प्रक्रिया फरवरी 2022 में कुलपति बदलने के बाद भी जारी रही है। संसद के विशेष सत्र में पिछले सप्ताह पारित महिला आरक्षण विधेयक को तत्काल प्रभाव से लागू करने की मांग को लेते हुए कांग्रेस आज 21 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के विश्वासघात को उजागर किया गया है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य पवन खेड़ा ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 21 शहर, 21 महिला नेता, एक एजेंडा, महिला आरक्षण के नाम पर मोदी सरकार द्वारा किए गए विश्वासघात को उजागर करना। अयोध्या में बन रहे भगवान श्री राम के मंदिर के उद्घाटन को लेकर तैयारियां जोरों पर है। इसी बीच राम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। इसके मुताबिक मंदिर के उद्घाटन के समय साधु संत दंड छत्र चंबर व पादुका लेकर परिसर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। वहीं सभी को सुरक्षा मानकों का पालन करने के बाद ही परिसर में प्रवेश दिया जाएगा। बता दें कि उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री मोदी से लेकर कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के मौजूद रहने की उम्मीद है। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक पत्रकारों ने नीतीश कुमार से सवाल किया कि इस बात में कोई सच्चाई है कि आपका लगाव NDA की तरफ भी है। इस पर नीतीश कुमार ने कहा कि क्या बात कर रहे हैं, आप छोड़िए ना। उन्होंने आगे कहा, क्या चर्चा करते रहना है, आप जान रहे हैं कि हम कितना अपोजिशन को एकजुट करने में लग रहे हैं, कितना बड़ा काम हो रहा है, कौन क्या करता है, उससे हमें क्या लेना देना है। नीतीश कुमार जब ये जवाब दे रहे थे तब पास में खड़े बिहार के उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव मुस्कुरा रहे थे। गुयाना अमेजन वॉरियर्स कैरेबियन प्रीमियर लीग 2023 की चैंपियन बन गई। फाइनल में वॉरियर्स ने त्रिनबागो नाइट राइडर्स को 9 विकेट से शिकस्त दी। शाहरुख खान की मालिकाना हक वाली त्रिनबागो की टीम पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाई थी और 18.1 ओवर में 94 रन पर ढेर हो गई थी। 95 रन के टारगेट का गुयाना वॉरियर्स ने मैच 1 विकेट पर हासिल कर लिया। ओपनर सैम अयूब ने 41 गेंद में नाबाद 52 रन ठोके। वहीं साई होप ने भी 32 रन की पारी खेली। गुयाना की टीम पहली बार CPL का खिताब जीती है। अक्टूबर महीने में बैंक कई दिन बंद रहने वाले हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार राज्य विशेष के आधार पर सभी सार्वजनिक छुट्टियों और कुछ क्षेत्रीय छुट्टियों पर बैंक बंद रहेंगे। क्षेत्रीय छुट्टियां राज्य सरकार द्वारा तय की जाती है। भारतीय रिजर्व बैंक की छुट्टियों की सूची के अनुसार अगले महीने कुछ 16 दिनों से अधिक छुट्टियां होंगी। इसमें शनिवार और रविवार की छुट्टियां भी शामिल है। दरअसल अक्टूबर महीने में 5 रविवार पड़ रहे हैं। इसके साथ ही दूसरे और चौथे शनिवार को भी बैंक की छुट्टी रहती है, यानी पूरे देश में ये 7 छुट्टियां तय हैं। हाल में कुछ युवाओं ने बेरोजगारी पर एक मजेदार वीडियो बनाया, जिसमें वे सोशल मीडिया पर छा गए हैं। दरअसल सबसे पहले बिहार के भागलपुर के रहने वाले यूट्यूबर आदर्श आनंद ने कुछ दिनों पहले एक वीडियो बनाया था, जिसमें उन्होंने ऋषि कपूर के मशहूर गाने मेरी उमर के नौजवानों को रिमिक्स किया है। वहीं अब इस गाने पर कुछ युवकों का नया वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। ये गाना कर्ज फिल्म के गाने ओम शांति की धुन पर है। इस वीडियो के जरिए कुल मिलाकर मजेदार तरीकों के से बेरोजगार युवाओं की व्यथा सुनाने की कोशिश की गई है। एक ओर जहां लोग इस पर ढेरों कमेंट कर रहे हैं, वहीं इस पर राजनीतिक बहस भी छिड़ गई है। हमारे द्वारा पूछे सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है नुनु गोलू कुमार, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, मोहम्मद जकीर हुसैन, जितेंद्र ठाकुर, आयुष रानी, अनवर करीम खान, नौसद अंसार, भान प्रकाश मौर्य, अंशुप्रिया, दीपक कुमार। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार को क्या क्या कदम उठाने चाहिए। अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।